डिस्कस चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सेकेंड पार्ट द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके सो हियर रिकैपिटुलेशंस यू नीड अ रिकैपिटुलेशन. ओके सो फर्स्टली First module, we will revise first module. We have already discussed about the Louis XVI. Louis XVI become a king of France and found empty treasury. And second, he wanted to increase tax, which was to be paid by third estate only, according to the system of old regime. And the third reason was substance crisis. And the fourth was middle class philosopher give their idea, and so that's why the people were very much influenced their ideas. Okay, so these were the main point that we have discussed in the previous chapter. Okay, and so here I'll just want to tell you some important timelines. If you know these timelines, if you understand these timelines, if you revise these timelines, you will never ever forget your chapter. It is very much easy. It's very very easy. बहुत easy लगेगा आपको chapter if you learn these timelines. I'm deadly sure कि आप इसको अच्छे से याद कर लोगे और आपको chapter बहुत अच्छा लगेगा. 1789 to 1799 सिर्फ 10 years हैं जिनकी हमें कहानी याद करनी है. कुछ incident हैं, कुछ assemblies names हैं जो आपको अच्छे से learn करने हैं. Otherwise this chapter is very easy. मुझे पता है कि this is not related to our country, तो it means आपको little bit difficult लग सकता है, but it is not like that. If you create interest in history, ये world की history है. देखो India की history को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है. लेकिन अगर आपको कोई France के बारे में पूछे, जहाँ आप किसी को France के बारे में पूछे और वो आपको ना बता पाए, तो देखो और आपको वो क्वेश्चंस के आंसर आते हो, आपको पता हो कि फ्रांस में ये हुआ था वो हुआ था, तो कितना अच्छा लगता है ना. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर. एंड द वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज दैट कि जो फ्रांस है वहाँ पे सबसे पहले रेवोल्यूशन आया था, सबसे पहले रिवॉल्ट हुए थे, तो इसलिए दिस रेवोल्यूशन इज वेरी मच पॉपुलर, वेरी मच पॉपुलर अमंग्स द वर्ल्ड. ठीक है. सो फर्स्टली 1789 जनरल स्टेट जनरल, 91 नेशनल असेंबली, 92 लेजिस्लेटिव असेंबली, 92 टू 95 नेशनल कन्वेंशंस रेन ऑफ टेरर, एंड 95 टू 98 आर डायरेक्टरी रूल, एंड 99 नेपोलियन रूल. ओके सो नाउ कम ऑन द सेकेंड मॉड्यूल. सेकेंड मॉड्यूल में आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि Louis XVI wanted to increase the tax, but he had not power to impose tax directly of his own wish. Okay, if he wanted to increase the tax, then it is necessary to ask to take a permission from the estate general. Ab estate general kya hai? Estate general was a political body to which the three estates sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting on this body. The last time it was done was 1614. Okay, so जो मोनार्क है वो अकेला कुछ भी नहीं इम्पोज कर सकता था. कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको हमेशा किसकी नीड होती थी? स्टेट जनरल की. और लास्ट टाइम स्टेट जनरल को कब कॉल किया गया था? इट वॉज ऑन 1614 को. ओके सो हियर यू कैन सी द ब्यूटिफुल वर्साइल पैलेस. ठीक है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वर्साइल पैलेस जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको उनके टैक्स इम्पोज हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे. हेयर यू कैन सी दिस पैलेस इज़ लाइक अ हेवन, एंड इट इज़ आल्सो डेकोरेटेड विद अ डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल स्टोन्स एंड ग्लासेस. एंड ऑन द राइट एंड साइड टॉप ऑफ द साइड इन द कॉर्नर यू कैन सी द वर्साइल पैलेस इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम पैरिस एंड very far away from the city area. okay, so let's we start. अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरल स्टेट जो मीटिंग कॉल की उसमें क्या क्या था. स्टेट जनरल जो मीटिंग थी उसमें फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकेंड स्टेट के आल्सो 300 रिप्रेजेंटेटिव, एंड थर्ड स्टेट 600 रिप्रेजेंटेटिव. ओके सो 1200 टोटल मेंबर्स वर अटेंडेड दैट मीटिंग. ओके एंड वट वॉज द वोटिंग सिस्टम? ईच स्टेट हैड one vote. First state had one vote, second state had one vote, and third state also. First and second state were
वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ टू नॉट टू पे एनी टैक्स ओके एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट हैड नॉट एनी प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव ऑलरेडी नॉट पेइंग एनी टैक्स सो द प्रॉब्लम वॉज फॉर द थर्ड स्टेट इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वर रेडी टू इम्पोज द टैक्स सो थर्ड स्टेट हैड नो पार टू रिफ्यूज देयर ऑर्डर है ना सो नाउ they were asked to vote for increasing tax and they always vote to increase the tax whenever the king and whenever any person wanted to ask to impose the tax to first and second state ko koi problem hi nahi thi wo to koi tax hi nahi pay kar rahe the wo to kehte the jitna marzi badhao hame kya problem hai na to problem kisko thi third state ko those were paying tax hai na to now the third state peoples they gather in a palace resplendent hall in Versailles palace okay resplendent hall in Versailles palace mein wo ikatthe hue hain and wahan pe kya hua hai yahan pe first state member sitting in right hand side second state in the front of side and the third state member they stand around them and here you can see Louis XVI is also assembled in this assembly and children women and the other men were not allowed to join that meeting okay so calling a meeting of state general was just a formality kya thi ek formality thi it was obvious that first and second state would have no problem in increasing tax kyunki wo to hamesha hi chahte hain ki impose karo tax hame kya hame kaun sa dene hai so the people of third state demanded to follow one person one vote principle okay ab third state ne kya unhone kaha unhone ye nahi kaha ki hame tax nahi dene they created one demand they said ki you should we organize a voting system you should adopt a voting system if you want to impose tax if you want to take any decision you should follow the voting system and according to that voting system we are 1200 members are there and each or every member should have a right to one vote okay but the king Louis XVI dismissed their order and they rejected the proposal and after that kya hua अब क्या हुआ जो नेशनल जो थर्ड स्टेट के मेंबर है दे वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली ओके एंड दे वॉक आउट असेंबली एंड दे आर आफ्टर ऑन 20th June 1789 दे गैदर इन टेनिस कोर्ट दैट वाज ग्राउंड ऑफ वर्साइल पैलेस एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली अब आपको पता चल गया नेशनल असेंबली क्या था थर्ड स्टेट मेंबर दोज वर वॉक आउट फ्रॉम from the state general meeting and they decide themselves as a national assembly and they gather in on tennis court in the ground of Versailles palace and who were the leader who led that assembly that was Mirabeau and Abbe Sieyès okay so here you can see this is a tennis court where they can take an oath and 20th June 1789 okay so thereafter here you can see Abbe Sieyès not Mirabeau and Abbe Sieyès who is representing who is representing and who is just announcing something okay who is giving speech to gather crowd okay here you can see and Abbe Sieyès and Mirabeau Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the needs to do always with a society of a feudal privilege he brought out a journal and delivered a पावर स्पीच टू द क्राउड एंड असेंबल एट वर्साइल इसने जो क्राउड गैदर हुआ था उसको स्पीच दी और ये लोगों के बेनिफिट्स के लिए हमेशा उसको लगता था कि हाँ जो थर्ड स्टेट है वो उसके मेंबर काफ़ी प्रॉब्लम्स में है ये खुद अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था Abbe Sieyès ओरिजिनली ही वॉज प्रीस्ट एंड इसने क्या लिखा था ही रोट अ इन्फ्लुएंट पैफलेट इसने बहुत अच्छा सा पैफलेट लिखा था उसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट ओके एंड here you can see the pics of Mirabeau and Abbe Sieyès okay and thereafter
अब क्या हुआ, अबे से आइज एंड मीराबू एंड द अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली दे वर बिजी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड अदर साइड्स क्या हुआ, अदर साइड में क्या हुआ, अदर साइड द सर्वल विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट. बैड हार्वेस्ट था, बहुत चिली वेदर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. द प्राइज ऑफ ब्रेड वॉज रोज, पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्राइस के ब्रेड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, वेजेस वर फिक्स, सो पीपल वर नॉट एबल टू परचेज द ब्रेड. सो आफ्टर स्पेंडिंग आर इन अ लॉन्ग की क्यूज एट अ बेकरी क्राउड, द एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इन टू शॉप. उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के ऊपर वो धावा बोल दिया, मतलब वो मतलब सिचुएशन बड़ी हार्श सी हो गई. तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में लुईस सिक्सटीन, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जगह पे लड़ाइयाँ होने लग गई. और यहाँ पे लुईस सिक्सटीन जो था, उन्होंने उसने क्या किया, उसने एक अपनी जो सेना है उसको भेज दिया वहाँ पे सिटी में, टू जस्ट लाइक क्या कहते हैं उसको, कि हाँ भाई देखो कहीं पे कुछ हो ना जाए, है ना, टू जस्ट टू चेक, टू जस्ट सुपरवाइज दैट एरिया. बट द रूमर स्प्रेड अमंग्स द सिटी कि जो किंग लुइस है ही विल गिव अ सून ऑर्डर टू टू फायर, टू किल द पीपल, टू ओपन फायर. सो द 7,000 पीपल, 7,000 पीपल दे गैदर्ड इन वन प्लेस एंड दे डिक्लेयर देम सेल्फ एज अ पीपल मेल्टा एंड दे स्टार्ट अटैक ऑन बास्टिल पैलेस. एंड हेयर यू कैन सी दिस वॉज द सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. एंड दे जस्ट रिलाइज द प्रिजनर एंड दे किल्ड द बास्टिल कमांडर्स. ओके, सो सिचुएशन वॉज वेरी फास्ट एंड देयर आफ्टर द लुइस किंग हैड नो एनी अदर वे. सो ऑन 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्टर्ड एंड डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स एंड मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर बर्थ प्रिविलेज एंड टैक्सेस वर ऑल्सो अबॉलिश्ड. ओके, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड अ सेट और वर्थ ऑफ 2 बिलियंस ऑफ लीवर. ओके, हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर लुई 16 एक्सेप्ट द नेशनल असेंबलीज डिमांड एंड देयर आफ्टर नेशनल असेंबली कंप्लीट देयर ड्राफ्ट इन 1791. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ड्राफ्ट वॉज लिमिट द पावर ऑफ मनार्क एंड दीज पावर वर नॉट स्प्रेडेड एंड असाइन टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दिस मेड अ फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ओके, सो इसमें एक वर्ड आया था फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है, फ्यूडल सिस्टम वाज अ डोमिनेट सोशल सिस्टम इन मेडिवियल यूरोप इन विच नोबिलिटी हेल्ड लैंड फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज व्हाइल द पीजेंट वर ऑब्लाइज टू लिव ऑन देयर लॉर्ड्स एंड गिव देम ऑनर लेबर एंड शेयर ऑफ देयर प्रोडक्शन. ठीक है, तो क्या होता था, जो ज़्यादा रिच लोग होते थे वो मतलब उनकी जो लैंड होती थी वो उस पे जो गरीब लोग हैं उनको काम वगैरह करने के लिए देते थे. ठीक है, और उसके बदले में भी वो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे उनको सारा अपनी लेबर का जो शेयर है, जो प्रोडक्शन का शेयर है, वो उनको देना पड़ता. तो कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें जो गरीब लोग हैं वो बेचारे काम करते रह जाते थे, है ना, तो उनको मतलब जितना उनका वो होती थी प्रोडक्शन होती थी उतनी वो मिल नहीं पाती थी, वो उनको देनी पड़ती थी. ठीक है, उनको जो उनके वो लॉर्ड्स होते थे, जो नोबिलिटी होती थी. ठीक है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो लुई 16 है उसने जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम का जो उन्होंने ऑफर रखा है कॉन्स्टिट्यूट ने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 1790 वन में नेशनल असेंबली ने वो उसने एक्सेप्ट किया. और उसके बाद में क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 17 ऑफ 91 में उन्होंने क्या किया, पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, उन्होंने टू पोर्शन में मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्टिव मेंबर और पैसिव मेंबर. ठीक है, और क्या उन्होंने किया, ओनली अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड इक्वल टू द इक्वल टू हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट
3 days of the labor's wages were given the status of active citizen. ठीक है, the remaining men and women were in the passive citizen. Here you can see only judiciary elected directly by the active member, and the active member give the vote to and elected 50,000 men, and 50,000 men elected national assembly. So these were the circumstances, these were the structure that they follow, and they limit the power of peoples. Okay, they limit the power of monarch. Okay, thereafter constitution began declaration of right men and citizen, right such as right to life, right to freedom, right to speech, right to opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights that the belongs to each human beings by birth and could not be taken away. It was duty of the state to protect each citizen and a natural right. So this is the freedom of speech and equality before the law. Okay, so this was your second module. Here you can see some pictures of one picture is broken chain, that is represent freedom. Second is bundle of rod, that represent unity. And the third picture is eye with a triangular radiating light that represent the ignorance of clouds and knowledge. And next picture is specter, that is a royal power. And you can see this is snake biting his tail, that is a picture represent the nether beginning, not end. And the red cap that we will discuss in the coming module, that was a cap worn by a slave upon becoming free. Okay, and blue, white, red, that was the color of France, France national flag. Okay, and thereafter the wings woman, it represent the personification of law. And the law tablet, that tablet, the law is the same for all and all are equal before the law. So that was your a second module, dear. So I just want to revise again timelines, which timelines we have done today. That was first timeline, that is 1789 state journal, and next is 1791, that was National Assembly. Two we have done now. So thank you so much.